हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सभी के साथ एक रिव्यू शेयर करने वाली हूँ एक फाउंडेशन का। बेस्ट फाउंडेशन में से एक है ये और मैं बात कर रही हूँ लैक्मे मूस फाउंडेशन की। ऐसी पैकिंग में आता है ये और आप इसको कहीं से भी बाय कर सकते हैं, ऑनलाइन भी ले सकते हैं आप इसको और बाहर मार्केट स्टोर कहीं पे भी जहाँ पे लैक्मे की स्टोर आपको दिखे आप वहां से भी इसको बाय कर सकते हैं। ऐसी पैकिंग में आता है ये। इसकी प्रोडक्ट क्वांटिटी है 25 ग्राम और इसका प्राइस है 700। आपको शेल्फ लाइफ इसकी मिल जाएगी 2 ईयर्स। इसके अंदर मेरा शेड है 01 आईवी फेयर और SPF 8 के साथ है ये मूस फाउंडेशन है ये। एब्सोल्यूट है, लैक्मे एब्सोल्यूट में है ये फाउंडेशन और इसकी पैकिंग ऐसे ओपन होती है और ऐसे आपको इसका कंटेनर मिल जाएगा। इसके पीछे डिटेल्स हैं, आप अगर ये रिमूव कर देते हैं, फेंक देते हैं कहीं, तो आप इसको इसके पीछे आपकी डिटेल आपको मिल जाएगी जी। इसके ऊपर सब कुछ लिखा हुआ है और इसका कंटेनर ऐसा है, बॉल टाइप काइंड ऑफ, और ऐसे ओपन होता है ये और आपको लिड मिल जाएगी इसकी। आप इसको ऐसे ओपन करके अपना प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। आप बस इसको ध्यान से रखें क्योंकि ये गिरने के बाद बाहर ही आ जाएगा सारा। और क्वांटिटी वाइज ये काफी कम है, प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत महंगा है ये, पर इसकी क्वांटिटी बहुत कम लगती है और अगर आप कहीं बहुत रेयर ही अप्लाई करना चाहते हैं जाते हैं तभी आप इसको बाय कर सकते हैं। और अगर आपको डेली आप इजीली अफोर्ड कर सकते हैं आप इसको डेली भी अप्लाई कर सकते हैं। और ये मूस फाउंडेशन है, थोड़ी सी क्वांटिटी ही बहुत है फेस पे पूरा अप्लाई करने के लिए। इसे आप थोड़ा सा लेंगे फिंगर्स पे। अगर आप ब्यूटी ब्लेंडर से नहीं इसको करना चाहते हैं ब्लेंड, तो ये फिंगर से भी आप अच्छे से ब्लेंड कर सकते हैं और ये हाइड कर देगा आपकी जितने भी पिगमेंटेशन हैं आपके फेस पे और स्पॉट्स वगैरह हैं। स्मूथली बिल्कुल अप्लाई हो जाता है ये। फ्रेग्रेंस इसकी बहुत लाइट है, थोड़ी देर में चली जाती है और ये स्टे करता है। अगर आप इसको गर्मियों में लगा रहे हैं तो ये 6 से 8 घंटे इजीली रहेगा आपके फेस पे, क्रीज नहीं करता है ये। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप जरूर इसको सेट कर लें किसी भी कॉम्पैक्ट से, तो ये थोड़ी देर ज्यादा स्टे कर लेगा। पर अगर आप नहीं करते हैं तो ये कम स्टे करता है। अगर आप प्राइमर वगैरह लगा के इसको लगाते हैं फेस पे या फिर सर्दियों में आप इसको अप्लाई करते हैं, किसी भी सीजन में अप्लाई करते हैं, तो आप जरूर लगाएं इससे पहले क्योंकि अच्छा स्टेइंग पावर हो जाता है। मूस फाउंडेशन टिक जाते हैं उससे काफी, कोई भी आप फाउंडेशन ले रहे हैं लगा रहे हैं तो उसकी स्टेइंग पावर ज्यादा नहीं होती है। अगर आपको स्टेइंग पावर बढ़ानी है इसकी तो आप प्राइमर वगैरह लगा के ही लगाएं, आपके फेस का बिल्कुल स्मूथ करके आपके पोर्स मिनिमाइज हो जाएंगे, उसके बाद ही आप इसको लगाएं। और स्टे भी करता है और फ्लॉलेस भी लगता है स्किन पे, तो आप इसको जरूर लगाएं। अगर आप पार्टी वगैरह में इसको लेके जाना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं, तो आप इसको बाय कर सकते हैं। अगर आप बाहर जाना चाहते हैं और आपको कोई अच्छा फाउंडेशन चाहिए, फ्लॉलेस आपको लुक दे जो, आप तब भी इसको बाय कर सकते हैं। प्राइजी है बट ये बहुत कम यूज होता है और मूस फाउंडेशन है तो ये ऑयली स्किन वालों के ऊपर ज्यादा अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप अच्छा सा हैवी मॉइस्चराइजर लगाने के बाद इसको लगा सकते हैं। और अगर आप नहीं चाहते हैं कोई ब्यूटी ब्लेंडर से अप्लाई करना तो आप इसको जरूर बाय करें क्योंकि ये फिंगर से बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है और ब्रश से भी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। हर स्किन टाइप के ऊपर ये सूट करता है और ये सभी लोग लगा सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे जरूर लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स फैमिली सभी के साथ शेयर करें। मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।